हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासिक्स के इंग्लिश बुक का सप्लीमेंट्री रीडर ए पैक्ट विद द सन का थर्ड चैप्टर द शेफर्ड्स ट्रेजर का हिंदी समरी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। द शेफर्ड्स ट्रेजर यानी कि एक गडेरिए की खजाना। किसी समय ईरान के एक गाँव में एक बड़ा ही गरीब और अनपढ़ गडेरिया रहता था। वह अपने एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। वह कभी स्कूल नहीं गया क्योंकि उन दिनों स्कूल बहुत ही कम होते थे। फिर भी वो बड़ा ही बुद्धिमान था और उसकी जो प्रकृति थी वो बड़ी ही मिलनसार थी। वो सभी से मिलते जुलते रहता था और सभी से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता था। वो सभी लोगों की सहायता भी करता था। बहुत से लोग उसके पास सलाह लेने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए सलाह लेने के लिए उसके पास आते थे तथा वे अपने दुखों को उसके सामने बताते थे और वो उससे निकलने का सहज उपाय बता देता था। इस तरह से बहुत सारे लोग अपने दुखों तथा कष्टों से छुटकारा भी पा लेते थे। एक दिन जो वहाँ के जो राजा होते हैं वो गडेरिया से मिलने के लिए चलते हैं। वो एक खच्चर पर सवार होकर उस गडेरिया की जो छोटी सी जो झोपड़ी होती है उसके तरफ बढ़ चलते हैं। गडेरिया ने जो वो राजा जो था उसका बड़े ही प्रेम से स्वागत किया। वे रात भर उस गडेरिए के पास, जो राजा थे वो रात भर उस गडेरिए के पास रहते हैं। रात भर वो गडेरिया राजा को अपनी बुद्धिमता का प्रचार देता है तथा उन्हें अलग अलग विषयों पर उन्हें बताता है। रात भर उनकी बात जो है वो सुनने के बाद राजा जो है बड़ी ही खुश हो जाते हैं। वो उस गडेरिया की बातों से खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि काश उनके राज्य में इस तरह का अगर कोई लोग हो तो उनका जो राज्य है वो बहुत ही जल्दी विकसित करेगा। राजा ने गडेरिए को एक छोटे जिले का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। अब जो गडेरिया था वो एक छोटे जिले का राज्यपाल बन गया। जो नया राजपाल था यानी कि ये जो गडेरिया था, इसने जल्द ही लोगों का स्नेह जीत लिया। वह एक न्यायशील तथा बुद्धिमान राज्यपाल के रूप में धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा। जो दूसरे प्रांत के जो राज्यपाल थे उससे अब जलने लगे। वे सामान्य लोगों में उसकी प्रसिद्धि को सहन नहीं कर सके। वे इस बात से भी ईर्ष्या करते थे कि जो राजा जो था, इस जो नए राज्यपाल था यानी कि ये जो गडेरिया था, इसको बड़ा ही महत्व देता था। उन्होंने शिकायत की कि ये जो टैक्स है, जो वसूलता है, उसका कुछ हिस्सा अपने साथ अपने लोहे की पेटी में रख लेता है और यह जो लोहे की पेटी है वो हमेशा ही अपने साथ लेकर रहता है। जितने भी जो अलग प्रांत के जो राज्यपाल थे उन लोगों ने राजा के कान भरना अब शुरू कर दिया। उन सभी लोगों ने कहा कि नहीं, ये अवश्य ही जो टैक्स वसूला जाता है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा वो अपने पास चुरा कर अपने पास रहने वाले जो लोहे की पेटी है उसके में रख लेता है। पहले तो राजा ने इन सभी शिकायतों का नज़रअंदाज कर दिया पर वो ऐसा अधिक दिन तक न कर सका क्योंकि बाकी जितने भी राज्यपाल थे वो हमेशा इसी बात को दोहराते रहते थे, जिसके कारण अब राजा को भी धीरे धीरे शक होने लगा उस गडेरिए के ऊपर। एक बात निश्चित थी कि वो यह कि नया राज्यपाल हमेशा ही अपने पास वो जो पेटी था रखता था। अब ये सोचकर भी राजा को लगा कि नहीं, हो सकता है कि कुछ न कुछ टैक्स का हिस्सा वो जो अपनी पेटी है उसमें रखता होगा। अतः एक दिन राजा ने उस नए राज्यपाल को महल में बुलवा दिया। नया राज्यपाल राजा के दरबार में आ जाता है। उस समय भी वो लोहे की पेटी उसके पीछे ऊंट की पीठ के ऊपर बंधी हुई थी। इसे देखकर हर व्यक्ति अब खुश हो गया। उन्हें लगा कि हाँ, इस पेटी में जरूर कुछ टैक्स से चुराए हुए पैसे या धन उसमें होंगे। उनका ख्याल था कि पेटी में जरूर ही कोई हीरे जवाहरात होंगे। अतः उन्हें आशा थी कि पेटी के खोलने पर नया राज्यपाल जरूर ही चोर सिद्ध हो जाएगा। राजा ने नए राज्यपाल से पूछा कि उसकी ये जो लोहे की पेटी है इसमें उसने क्या रखा हुआ है। नए राज्यपाल ने पेटी खुलवा दी। उसके अंदर एक पुराना कंबल रखा हुआ था। गडेरिए ने
उसे अपना एकमात्र खजाना तथा अपना मित्र बताया। वह कंबल वो हमेशा अपने साथ रखता था, क्योंकि केवल यही उसकी वास्तविक संपत्ति थी। बाकी जितने भी चीज़ थे वो चीज़ राजा के दिए हुए थे। यह गडेरिये की विनम्रता और समझदारी का उदाहरण था। राजा उसकी इस बुद्धिमता को जान जाता है। उसने उसे और भी अधिक बड़े जिले का राज्यपाल बना दिया। उस गडेरिये ने राजा से इस बात की भी जानकारी दी कि ये जो मेरे पास कंबल है, ये मुझे हमेशा याद दिलाते रहता है कि जो मेरा पास्ट है, मेरा जो भूतकाल है, उसमें मैं क्या था। इसलिए ये मुझे बेईमानी करने की कभी भी सोच मुझे प्रदान नहीं करता है। राजा इन सभी बातों से सुनकर बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और गडेरिये को किसी दूसरे जिले का राज्यपाल भी बना देते हैं। तो दोस्तों, यह था इस चैप्टर का हिंदी समरी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।